यहाँ भाई ने जो है वो फ्राई कर लिए हैं, अच्छे बने, मजे के बने हैं, और इनमें हमने प्याज टमाटर और वेलकम बैक टू माय व्लॉग। ब्यूटी फैमिली कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग ठीक होंगे। तो मैं भी ठीक हूँ। और आज किसकी? मौला अली की है ना, मौला अली की शहादत की छुट्टी थी, तो इसीलिए आज मैं घर पे हूँ। लेकिन छुट्टी आखिरी है ये, और बहुत से काम किए आज मैंने। खाने में बहुत चीज़ें बनाई, आज मैं बना रही हूँ रोल समोसे घर पे ही। और खाने में मैंने बनाया है चिकन आलू मटर। और आज की रूटीन, अब शाम हो गई है, 6 बज गए हैं। आज की रूटीन जो भी है आपके साथ शेयर करूंगी। आज बहुत सारे काम थे तो सुबह का व्लॉग मैंने नहीं बनाया, क्योंकि कपड़े भी धोए हैं और घर के काम भी थे तो वो भी सारे किए हैं, मार्केट के काम भी थे, तो इसीलिए व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला। तो अभी मैं शाम की रूटीन आपके साथ शेयर करूँगी। आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है, लाइक शेयर और कॉमेंट। आज की वीडियो में क्या होने वाला है आप लोगों ने वीडियो को फुल वॉच करना है और देखना है आज क्या क्या बनाया। और यहाँ ये फ्राई किए जा रहे हैं, तले जा रहे हैं, एक एक करके। फ्राई पैन छोटा है, यहाँ समोसे बन गए हैं दो। अभी थोड़ा थोड़ा मिक्सचर इसका जो है वो अच्छा बने, टेस्टी बना है। यहाँ भाई ने जो है वो फ्राई कर लिए हैं, अच्छे बने, मज़े के बने हैं। और मैं अभी जा रही हूँ मामी के पास, आज उनको कोफ्तों की रेसिपी बताने लगी हूँ। कोफ्तों की रेसिपी क्या होगी मैं वहाँ जाकर बताऊँगी। तो मैं उनके घर पर अभी जाने लगी हूँ, तो वहाँ जाकर व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। और मैं आ गई हूँ इधर मामी के घर पे, तो इन्होंने बनाया हुआ बर्गर, और बर्गर ट्राई करते हैं। इन्होंने बर्गर बनाया है, इसमें आज मैं पीस रही हूँ पहली बार, अच्छा पीस रहा है इसमें भी कीमा। और इसमें है कसकस, कसकास जिसको बोलते हैं। हमने बॉल्स बना लिए कोफ्तों की, और ये हमारा मसाला जो है ग्राइंड होने लगा है। यहाँ हमने ऑयल जो गर्म कर लिया है, अब इनको हल्का हल्का सा हम फ्राई करेंगे ताकि ये टूटे ना। और ये हमारी कुछ बॉल्स यहाँ है, और कुछ जो है हम फ्राई कर रहे हैं, और ये मसाला देखेंगे मिक्सचर। और इस मिक्सचर में हमने प्याज टमाटर और दही लिए, और यहाँ हमारा अदरक लहसुन का पेस्ट तैयार किया। और ये फ्राई करके हमने रख लिए कोफ्ते। यहाँ हमारा ऑयल जो कोफ्तों वाला था गर्म ही था, ये रखा। और इसमें अब हम अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के इसको भूनेंगे। यहाँ अदरक लहसुन का पेस्ट भून लिया हमने, और जो हमने ये पेस्ट बनाया था अब हम ये डालेंगे। आजकल मेरा व्लॉग जो है वो कुकिंग पे ही हो रहा है। हाँ, ये लेक्सी को पता नहीं क्या नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है लेक्सी। और ये हमने भून लिया, उसके बाद हम इसमें कोफ्ता मसाला डालेंगे। पैकेट वाला घर के मसाले से भी आप कर सकते हैं, लेकिन हमने पैकेट वाला लिया है, ठीक है। हाँ, हमने इसमें हाफ स्पून जो है वो नमक डाला है, और हाफ स्पून हम जो है इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। अब आपको इसमें जितना भी शोरबा रखना है वो आपकी अपनी मर्जी है। हम इसमें जो है एक गिलास पानी बस डालेंगे और पकाएंगे, और थोड़ा सा पकने के बाद हम जो कोफ्ते बनाए हैं वो इसके अंदर डालेंगे। हाँ, और अब इसके अंदर हमने कोफ्ते ऐड कर दिए। अब इसको हल्की आँच पर हम पकने देंगे, और जितनी भी हमें ग्रेवी चाहिए। और मैं घर आ गई, और अब मैं बनाने लगी हूँ चाय। और बालों की हालत बहुत बुरी हो रही है, और यहाँ ऊपर से लाइट की वजह से जो है फेस पे लाइट आती है तो वो वीडियो क्लियर नहीं बनती है। बना रही मैं चाय, साथ में आज मैंने बनाया है चिकन मटर और आलू। और टाइम हो रहा है 7:30, और हम लोग पीने लगे हैं शाम की चाय। बाल टीले जब मैं बांध देती हूँ ना, तो फिर मेरे बाल जो है वो ऐसे हो जाते हैं वेवी वेवी। कलर बड़ा अच्छा आया, और मैंने बालों को ड्रायर कर लिया है, और क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रिजी हो रहे थे और गीले भी बाल थे, तो फिर गीले बालों को कैचर जब लगा लो तो यही हाल होता है। खैर, आज का व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? मच्छर, अल्लाह मियाँ, इतना मच्छर हो गया ना। तो बहुत जल्द मिलेंगे किसी दूसरे व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।